अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजे बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। कैसे नाज़रीन, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे कि नाज़रीन, दुनिया की सूरत हाल ऐसी है कि अभी हाल ही में जैसे कि फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है इसराइल की तरफ से और उनको मलियामेट कर दिया है। हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो मुस्लिम उम्मा हैं, नाम नहाद मुस्लिम उम्मा जो है, वो सिर्फ ये बयान दे रही है कि भाई इसकी हम मुज़म्मत करते हैं। ये नहीं कह रही कि भाई अगर आप गज़ा पे लगातार बमबारी कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनों को शहीद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। वो अपने हक ही तो मांग रहे हैं, ज़ाहिर हक ही मांग रहे थे, क्योंकि आप जब इसराइल जब वहाँ पे आया था तो यानी कि एक रिफ्यूजी जैसे होते हैं, जैसे अफ़गानी हमारे सिंध में आए हैं, इस तरह वो आए थे वहाँ पर फ़लस्तीन में, उनको जगह दी, उनको इज़्ज़त दी। उसके बाद उन लोगों ने जैसे कहावत है ना कि बस बैठने की जगह दो बाकी हम सोएंगे खुद ही, तो उन लोगों ने फिर ये कार्रवाई करी फ़लस्तीन के साथ। वो तहियाँ फ़लस्तीन की भी हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि इनको जगह नहीं देनी चाहिए थी, मगर अब वो तो जमान वक्त की बात है, वो तो हो गया तो हो गया। मगर अब की जो सूरत हाल है, सिर्फ दो मुल्क फ़लस्तीन की यानी कि मदद कर रहे हैं। सबसे अव्वल जो है वो ईरान, उसके बाद लेबनान, जो हमास यानी कि वहाँ से उनके साथ हैं, और हमास और लेबनान ये उनके साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बाकी मुस्लिम उम्मा तो बस उनकी बातें यही बोल रहे हैं कि ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई इतनी सुपर पावर ताकत हो, मुस्लिम उम्मा हो, इतने ज़्यादा हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अगर मुत्तहद हो जाएँ तो ये क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि अमेरिका का बयान आया, उसने बहरी जहाज भी भेज दिए, दो बहरी जहाज भेज दिए, उसमें यानी कि जेट लड़ाकू हैं भी हैं, बम्बार से यानी कि बमों से लैस है वो जहाज। वो इसराइल के पट्टी और गजा की पट्टी के करीब ही वो समंदर के हदूद में खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है यूएसए का कि अगर इसराइल पे कोई मुल्क अटैक करेगा तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस वजह से जो मुस्लिम उम्मा है उनकी आपको पता है क्या हो रहा है, पोंपों हो रही है। तो अब मसला ये है कि सबको मुतहद होना पड़ेगा, सिर्फ इन निहत्ते फ़लस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। इनकी हम मज़म्मत भी करते हैं और शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं जितनी भी गए। मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि इसके ऊपर वीलॉग बनाऊँगा, मगर दिल नहीं मान रहा था कि यार इतना खून के दिल आसूर हो रहा है कि यार हमारे गरीब फ़लस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए। उनके सिर्फ एक इसराइली मरता है तो यहाँ पे वो हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद कर देते हैं। अभी मैं आपको तादाद बताता हूँ, अभी भी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मीडिया, मगरबी मीडिया तो ये दिखा नहीं रहा। इसराइल का कुछ हो रहा है तो वो बस इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि इसराइल के ऊपर अटैक हो गया, उनकी टैंकें तबाह कर दी, ये कर दी, मगर ये नहीं दिखा रहा है कि गजा के ऊपर इतना उन लोगों ने बमबारी की है कि पूरा जो इलाका है मिसमार हो गया है। वो मेरे साथ आप ये मेरी फुटेज भी देख रहे होंगे। अब मसला ये है हमारे मुसलमान हुक्मरानों का कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं, और यतन याहू से ये कह रहे हैं कि यतन वाहू, मैं इसको वाहू बोलूँगा यानी कि वाहू भौंकने वाला कुत्ता जो होता है वो, कि इनको जंगबंदी का बोल रहे हैं। अब मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ कि यानी अरब इमारात ने उनसे रابطہ किया कि भाई जंगबंदी करें। जंगबंदी क्या है कि भाई डायरेक्ट बोले भाई अगर जंग बंद नहीं करेंगे, बमबारी बंद नहीं करेंगे, हम भी बम आपके ऊपर बरसाएंगे। जब यूएसए उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ है, तीन मुल्क उनके साथ हैं, कैनेडा उनके साथ है, जर्मनी उनके साथ है, तो फिर आप काय के यानी कि मुसलमान हो, अपने मुसलमान को मरते हुए देख रहे हो और बोल रहे हो कि जंगबंदी होनी चाहिए। इस मामले का ये हल नहीं है। अब मैं इस मामले पे ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैं अभी आपको जैसे बता रहा था कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं, यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग शहीद कर दिए गए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ बच्चे जो हैं 940 बच्चे इसमें यानी कि शहीद हो गए। उसके बाद खवातीन 10,032 खवातीन शहीद हो गई हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो गए हैं, और काफ़ी इमारतें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, मिसमार हो चुकी हैं। मगर इसके ऊपर जो यूएन है, नाम नहाद यूएन है, दूसरों के ऊपर तो अगर अमेरिका या दूसरे मुल्कों के ऊपर होती है तो वो फौरन बोलते हैं कि हमारे ऊपर भाई इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, इनके पास ये पाबंदी, जैसे ईरान के ऊपर पाबंदी लगाते हैं या दूसरे मुल्कों पर, हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी काम ऐसा करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं।
मगर इसराइल के बारे में ये लोग नहीं बोलते क्योंकि ये इनके इंटरेस्ट हैं, और जो मुसलमान लोग कंट्रियाँ भी नहीं बोले उनके भी इंटरेस्ट हैं यूएसए से इसराइल से। तो मैं तो कहता हूँ ये नाम नहाद जो मुसलमान हैं ये सिर्फ अपने मकसद के लिए हैं और अपने मुसलमान उम्मा के लिए खड़े नहीं होते। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, अगर मुसलमान मुसलमान का एहसास नहीं करता तो वो काहे का मुसलमान है। तो मेरे वीलोग बनाने का ये मकसद था, हालांकि दिल के आंसू रो रहा है, जितना हम कर सकते हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। अगर हमें वीज़ा मिलेगा तो हम तो जिहाद के लिए तैयार हैं भाई, हम जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि नियत मुसलमानों को शहीद होते हुए देखना ये बड़े अफसोस की है मकान। और मैं ये कहूँगा मुस्लिम उम्मा को, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इस पर अमल होना चाहिए। यानी कि आप जब तक मुतहद नहीं होंगे तो इसराइल इस पर बमबारी करता रहेगा और लोग हमारे वहाँ शहीद होते रहेंगे। तो इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं चाहे उधर से या इधर से, मगर मसला ये है कि इसराइल अपने हद दरियों पर आया हुआ है और मुसलसल बमबारी कर रहा है और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। तो आओ इनके साथ खिलाफ एहतजाज करें, बाहर निकलो, प्रोटेस्ट करो, दुनिया को बताओ भाई फ़लस्तीन अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं, और यकजहती इनके साथ करें। तो मेरा पैगाम यही है, और जो शहीद हो गए अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करें। बाकी मुस्लिम उम्मा को ये मेरा पैगाम है कि भाई मुतहद हो जाओ, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर मुसलमान मर रहे हैं, आप इधर बयान दे रहे हैं कि भाई अगर गजा पे बमबारी हो गई तो हम ये कर देंगे। भाई वो तो बमबारी कर रहे हैं, वो तो रुक ही नहीं रहे, आप कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तो मेरा ये पैगाम है तमाम मुस्लिम उम्मा को, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया को बताएं कि इसराइल जो है कितनी यानी कि नाजायजी कर रहा है और नियत फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। एजे बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।